हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल पैशनेट एट टेक। वंस अगेन आई विल टेक अ न्यू वीडियो एमसीक्यू फॉर क्लास 6 इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री अ पैक्ट विद द सन चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। इट्स मींस मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लाई हूँ, बट ये जो वीडियो है वो एमसीक्यू है सप्लीमेंट्री ए पैक विद द सन चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू वर्ड की। तो जिस तरह से आप सभी ने उस वीडियो को देखा, अपने कमेंट्स लिखे, सारे आंसर दिए, उसी तरह से आप लोग इस वीडियो के नीचे भी अपने आंसर देंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि आप कितने लेवल पर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी एनसीईआरटी सीबीएसई में हैं उसकी बुक पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें, जिससे उनको भी ये हेल्प मिले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चे सबसे पहले अपना नाम, क्लास और अपना स्कूल वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देंगे, जिससे मुझे पता चले कि कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ये इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग सभी मैंने अपने चैनल में इस वीडियो में डाल रखे हैं। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी हो, इस चैप्टर को नहीं समझा हो, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को स्टॉप करें और उस वीडियो को देख कर आएँ जिसमें इस वीडियो के चैप्टर की ऑल एक्सप्लेनेशन है वर्ड बाई वर्ड, जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू बेबी वर्ड्स गॉट सेपरेटेड एज, जो दो बेबी बर्ड थे वो किस तरह से अलग हो गए थे। द ऋषि टुक वन ऑफ देम, उनको साधु ले गए थे। द मदर टुक वन ऑफ देम, उनमें से एक को उनकी माँ ले गई थी। द किंग टुक वन ऑफ देम, उनमें से एक को किंग ले गए थे। या फिर डी द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अभी, या उनको बहुत तेज हवा ने अलग अलग कर दिया था। तो आप सभी को इसका आंसर आई होप अच्छी तरह से पता होगा। तो सभी लोग आंसर आने से पहले वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। एंड आंसर इज डी द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अभी, जो तेज़ हवा थी उसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मेरे सभी प्यारे बच्चों ने इसका रिप्लाई सही किया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर सेकंड क्वेश्चन इज द न्यू बॉर्न बेबीज लिव, जो नए जन्मे बच्चे थे वे कहाँ रहते थे। इन कम्फर्ट, आराम से, विद देयर मदर, अपनी माँ के साथ। सी इन अ लवली केव, और एक प्यारी गुफा में। डी इन एन आश्रम, और एक आश्रम में। आपको सबको पता है जब नए बच्चों का जन्म हुआ था तो मदर वर्ड उन्हें लेके कहाँ रहती थी। यस, कहाँ रहती थी? यस, वो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। एंड इट्स राइट आंसर इज बी, विद देयर मदर। बोथ द बेबी बर्ड्स लिव विद देयर मदर बिफोर स्ट्रोम। एंड नाउ आर थर्ड क्वेश्चन इज द केव वॉज इनहैबिटेड बाय, केव किसका आश्रय थी, इसका मतलब उसमें कौन रहता था। द लॉयंस, शेर, द रैबिट्स, खरगोश, द रॉबर्स, डाकू, एंड डी द ऋषि। यस, एवरीवन नोज इट्स आंसर, एंड द आंसर इज द रॉबर्स, इट्स मीन सी। आई होप सभी को इसका आंसर सही सही पता होगा। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फोर, द सेकेंड बर्ड मेड हिज नेस्ट, सेकेंड बर्ड ने अपना घोंसला कहाँ बनाया। नियर द ऋषिज आश्रम, ऋषि के आश्रम के पास। ऑन अ ट्री नियर द ऋषिज आश्रम, एक पेड़ पर ऋषि के आश्रम के पास। वेयर द मदर लिव, जहाँ माता रहती थी उनकी, वर्ड मदर। या फिर एट ए कम्फर्टेबल हैबिटेट, और एक आरामदायक घर पे। तो सभी इसका आंसर देंगे, एंड आंसर इज बी, ऑन अ ट्री नियर द ऋषिज आश्रम। सेकेंड बर्ड ने, जो दूसरी चिड़िया थी, उसने अपना घर एक पेड़ पर ऋषि के आश्रम के पास बनाया था। आप सभी को पता है ना जब राजा आए थे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टू बेबी वर्ड्स मेड सेपरेटेड, दो जो वर्ड थी वो अलग अलग कैसे हो गई। दे डिड नॉट लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार नहीं करती थी। दे वर नॉट डेस्टिनेट टू बी टुगेदर, वे एक साथ नहीं रहना चाहती थी।
दे वर अंडर अ मेजर स्पेल, उनको एक परेशानी हो गई थी, या फिर डी दे कुड नॉट स्टे टुगेदर, वे दोनों एक साथ नहीं रह सकें। और आप सभी को इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है, इट्स आंसर इज यस बी, दे वर नॉट डेस्टिनेट टू बी टुगेदर, उन दोनों को एक साथ जगह नहीं मिली। और सिक्स क्वेश्चन इज द मदर वर्ल्ड, मदर वर्ल्ड क्या किया, कुड नॉट हेल्प फ्लाइंग, उनकी मदद नहीं की उड़ने में, फेल डाउन द नेस्ट, नेस्ट से गिर गई, कैप्ट हेल्पिंग द लिटिल वंस, और लिटिल वन की जो चिड़िया थी उनकी मदद की, वॉज किल्ड अनलकली, या फिर मारी गई। आंसर इज डी वॉज किल्ड अनलकली, यानी दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि बहुत तेज तूफान आया था, घोंसला गिर गया था, उसमें से मदर वर्ल्ड नीचे गिर गई थी और दोनों बच्चे भाग्यवश अलग अलग हो गए थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द टू बेबीज ग्रो अप, दोनों बेबी किस तरह से बड़े हुए, टू बी वाइल्ड जंगली हो गए थे, टू बिकम द ओनर्स ओनर्स के साथ, इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स विभिन्न वातावरण में, इन द मदर नेस्ट या फिर माँ के घोंसले में। एंड इस आंसर इज सी इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, यानी विभिन्न विभिन्न वातावरण में वे दोनों बेबी बर्ड्स बड़े हुए थे, जिससे उनकी समझ पर भी असर पड़ा, और एक बेबी बर्ड्स बिल्कुल रॉबर्ट्स की तरह बात करने लगा था और दूसरा बेबी बर्ड्स आश्रम में रहकर ऋषियों की तरह बात करने लगा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द किंग गॉट अफ्रेड, एज किंग क्यों डर रहे थे, द वर्ड टॉक लाइक रॉबर्ट्स, जो वर्ड थी वो डाकों की तरह बोल रही थी, ए बुलेट वॉज शॉट, एक बंदूक चली थी, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, या बहुत तेज हवा चली थी, एंड डी हिज हॉर्स वॉज लॉस्ट, या उनका घोड़ा खो गया था। एंड आंसर इज ए द वर्ड टॉक लाइक रॉबर्ट्स, की चिड़िया बिल्कुल डाकुओं की तरह बोल रही थी, इसको देखकर राजा बहुत सरप्राइज हुए। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द किंग गॉट अमेज्ड एज द वर्ड, जो किंग थे वो चिड़िया को देखकर क्यों आश्चर्य में हुए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड सेकंड के लिए है। स्पोक लाइक ह्यूमन, वो ह्यूमन की तरह बोल रही थी, लुकड अलाइक, एक जैसी दिखती थी, डिड नॉट लुक द सेम, या एक जैसी नहीं थी, या फिर शाउटेड एट हिम, उन पर चिल्लाई। एंड यू नो इट्स आंसर वेरी वेल, द किंग वॉज अमेज्ड बिकॉज आंसर इज बी लुकड अलाइक, क्योंकि वो दोनों वर्ड्स एक जैसी दिखती थी। और आप सभी को पता है, आप सभी ने इस स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ा है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करी है, क्वेश्चन आंसर डिफ़िकल्ट वर्ड भी सब वीडियो में देखे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कंपनी वन कीप्स, दिस इज़ आल्सो अ मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इज़ डिसाइडेड बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ डिसाइड होता है, इज़ डिसाइडेड बाय फेट, फेट से होता है, हैज़ टू बी गुड, अच्छी होनी चाहिए, ये टेल्स व्हाट यू आर, और यह बताती है कि तुम कैसे हो। तो मेरे बच्चों, इसका आंसर सभी को देना है, और आंसर इज डी, यानी ये बताती है कि तुम कैसे हो। एक कंपनी में ही आप जैसे रहेंगे वैसे ही आपको समझा जाएगा, आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको बुरा समझा जाएगा, आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अच्छा समझा जाएगा, इसीलिए हमें अपनी कंपनी सोच समझ के तय करनी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम इसी तरह की नई वीडियो के साथ, बाय बाय। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, एंड डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गो टू माय पैशनेटर चैनल इन यूट्यूब, पैशनेटर अटैक, बाय बाय।